जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में बीते दिन पुलिस ने गरौठा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को 6 घंटे की रिमांड लिया। रिमांड के दौरान पुलिस दीप नारायण सिंह यादव को आरटीओ स्थित उनकी कोठी लेकर पहुंची। वहां पुलिस ने एक अधिवक्ता और दीप नारायण सिंह यादव के रिश्तेदार की उपस्थिति में उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही पुलिस ने दीप नारायण का मोबाइल जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस दीप नारायण को लेकर स्पेस मून सिटी पहुंची। यहां पर पुलिस ने फिर दीप नारायण से पूछताछ की और स्पेस मून सिटी के ऑफिस से एक लैपटॉप जब्त कर लिया। इस मोबाइल और लैपटॉप को साइबर टीम की मदद से पुलिस खंगाल कर घटना से जुड़े हुए सबूत खोजने का प्रयास करेगी। वहीं फॉरेंसिक टीम भी लगातार जांच में लगी रही। पुलिस दीप नारायण सिंह यादव को मोट ले जाना चाहती थी, परंतु समय की कमी के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। पूरे रिमांड के दौरान दीप नारायण का 2 बार मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। जब दीप नारायण सिंह यादव को पुलिस स्क्रीन स्पेस मून सिटी लेकर पहुंची तो वहां आयकर विभाग की टीम भी पहुंच गई और उसने दीप नारायण सिंह यादव प्रापत्रों और बैंक अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि दीप नारायण सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा पहले से ही चल रहा है और कानपुर आयकर विभाग की टीम इसकी जांच भी कर रही है। रिमांड के दौरान की गई जांच अभी पूरी नहीं हो पाई और अब पुलिस दोबारा दीप नारायण सिंह यादव की न्यायालय से रिमांड मांग सकती है। फिलहाल इतना ही, दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं पुलिस दीप नारायण पर धरना के लिए उकसाने की धारा जोड़ने की प्रक्रिया में लगी हुई है। रिमांड का समय खत्म होने के बाद पुलिस ने दीप नारायण को वापस जिला कारागार भेज दिया। जिला कारागार से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में दीप नारायण की पेशी हुई। इस पेशी में पुलिस ने रिमांड के दौरान की गई वीडियोग्राफी को भी कोर्ट में पेश किया। दीप नारायण सिंह यादव मामले पर बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम अपनी पेनी नजर बनाए हुए है। इस घटना को लेकर जो भी ताजा अपडेट सामने आएगा उसे सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे। आपसे निवेदन है, बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पूरे घटनाक्रम पर कमेंट करें और बताएं आपको क्या लगता है। दीप नारायण सिंह यादव पर जो कार्रवाई हो रही है वह उन्हें फंसाने का प्रयास है या फिर दीप नारायण सिंह यादव लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल है।